हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्रम मैजिक आर्ट। आज मैं आप लोगों के लिए की होल्डर कम लेटर बॉक्स लेकर आई हूं। इसके लिए मैंने बादामी कलर का मैक्रम कॉर्ड लिया है। आप अपनी पसंद से कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। एक वुडन स्टिक ली है, ये 12 इंच की है। एक रिंग लिया है मैंने इसके लिए, ये 1.5 इंच का है। ब्लू कलर की बेल्स और बीड्स लिए है, लाइटर एंड सीजर। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको रिंग को अटैच कर लिया है यहाँ, और मैंने यहाँ रिंग में लगाने के लिए 4 कॉर्ड लिए, 2 मीटर ईच। ये सिंगल कॉर्ड 2 मीटर की है। हम इसे डबल करके इसमें लगाएंगे तो ये 1 मीटर ईच हो जाएगी। तो इस तरह हम इसमें कॉर्ड लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कॉर्ड अटैच कर ली है। अब ये 2 कॉर्ड लेकर हम बीच के 2 कॉर्ड में बीट डालेंगे। ये हमने बीट डाल दिया। इसके बाद इस कॉर्ड को इस तरह रखकर इसे नीचे से निकालेंगे हम इस तरह। फिर इस वाले कॉर्ड को हम ऐसे रखकर और नीचे से इस तरह निकालेंगे। फिर से इस कॉर्ड को लेंगे हम नीचे से निकालकर इस तरह। अब इसको लेंगे, इसी तरह हमें इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉर्ड तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया इस डिजाइन को। अब हम फिर से इसमें एक बीच में बीट डालेंगे। उसके बाद इसी डिजाइन को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इस तरह। इसी तरह 10 नॉट तक हमें इस डिजाइन को बनाना है नीचे भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कंटिन्यू करते हुए यहां भी 10 नॉट्स लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद एक फिर से एक बीट डालकर और 1 नॉट तक मैंने इसको यहाँ पे एक डिजाइन लगा के कंप्लीट किया है। अब हम इसमें हमारी जो वुडन स्टिक है उसे हम लगाएंगे। ये हमारी वुडन स्टिक है, हम इसको इसमें अटैच करेंगे। इसको इस तरह ऊपर रखकर और नीचे से हम इसको इस तरह कॉर्ड निकालेंगे। इस तरह इस तरह हमें अपनी स्टिक को इससे अटैच करना है। इसको आपको थोड़ा सा टाइट लगाना होगा।
ये देखिए हमने इसको अटैच कर दिया है, इस तरह हो जाएगा ये। इसी तरह मैं इस साइड भी बनाकर इसको कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड बना के स्टिक से इसे अटैच कर दिया है, ये इस तरह दिखेगा। इसके बाद जो ये कॉर्ड नीचे आए हैं इसमें भी कॉर्ड अटैच करके हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब बीच में मैं कॉर्ड लगाऊंगी, इसके लिए मैंने 3 मीटर का ईच कॉर्ड लिया है, इसे हम अटैच करेंगे इस तरह। इस तरह हमें सारे कॉर्ड इसमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरह हम सारे कॉर्ड इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे कॉर्ड अटैच कर लिए हैं, ये टोटल बीच में मैंने 26 कॉर्ड लगाए हैं 3 मीटर ईच, और यहाँ पे जो 2 कॉर्ड बचे थे इसमें मैंने ये अटैच कर इसे भी कंटिन्यू करा है। इसके 4 कॉर्ड ये हो गए, टोटल मिलाकर हमारे 30 कॉर्ड हो गए। अब हम इसमें जो हमने सेम यहाँ डिजाइन बनाई थी वही डिजाइन हम यहाँ पे 10 नॉट तक कंप्लीट करेंगे इन 30 कॉर्ड्स में। इसके लिए हम फिर से वही बीच के 2 कॉर्ड में बीट्स डालेंगे। इस तरह कॉर्ड डालकर फिर से हमें इसी डिजाइन को कंटिन्यू करना है। ये देखिए इसी तरह हम इस तरह की डिजाइन यहाँ कंटिन्यू करेंगे 10 नॉट्स तक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस तरह हमने ऊपर 10 नॉट लगाकर इसे कंप्लीट किया था, ऐसे ही मैंने यहाँ भी 10 नॉट्स तक इसे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हमें सारे कॉर्ड्स में ये डिजाइन कंटिन्यू करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है, ये इस तरह दिखेगी। इसके बाद हम 2 डिजाइन छोड़कर 1, 2, 3rd वाले में हम बीच के कॉर्ड में हम एक बीट डालेंगे इस तरह। इसके बाद 1, 2, 3, 4 डिजाइन छोड़कर बीच के कॉर्ड में हम एक बीट डालेंगे। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 फिर से 4 डिजाइन छोड़कर हम इसमें बीच के कॉर्ड में बीट डालेंगे, और इसके बाद 2 डिजाइन यहाँ पर हम छोड़ देंगे जैसे हमने साइड में छोड़ा है इस तरह। इसके बाद हम ये वाले 2 डिजाइन लेकर इसके बीच की कॉर्ड में स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद ये वाले जो कॉर्ड हैं दोनों, ये वाली जो डिजाइन है इसके बीच के कॉर्ड में हम स्क्वायर नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ भी हम स्क्वायर नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम 1, 2, 3, 4 और 5 वाली डिजाइन में हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे बीच के कॉर्ड में। इसके बाद यहाँ ये दोनों डिजाइन के बीच हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच वाले कॉर्ड में हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद ये दोनों कॉर्ड में हम स्क्वायर नॉट नहीं लगाएंगे,
और यहाँ की भी दो कॉर्ड में जिसमें हमने बीट डाला है, इसके साइड की दोनों कॉर्ड में हम स्क्वेयर नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम ये दोनों कॉर्ड में, ये दोनों डिजाइन के बीच वाले कॉर्ड में हम स्क्वेयर नॉट लगाएंगे। अब इन दोनों के बीच लगाएंगे। इसी तरह इस दोनों के बीच के कॉर्ड में हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद फिर से हमने बीच में जो बीट डाला है इसके पास वाले दो कॉर्ड में, इसमें हम स्क्वायर नॉट नहीं लगाएंगे और इसमें भी हम स्क्वायर नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम ये जो साइड के दो हैं इसके बीच के कॉर्ड में हम यहां पर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वन लाइन हमने कंप्लीट कर ली स्क्वायर नॉट की। इसके बाद हम यहां पर साइड में कॉर्नर वाले में एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरह थोड़ा यहां से आपको लूज रखना है। इस तरह इसके बाद जो हमने यहां पे थ्री स्क्वायर नॉट लगाई थी, यहां पे हम बीच के कॉर्ड में टू स्क्वायर नॉट के बीच में हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे फोर कॉर्ड लेके। इस तरह इसी तरह ये वाली जो दो स्क्वायर नॉट है इनके बीच भी हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरह यहां भी जो हमने थ्री स्क्वायर नॉट लगाई थी इनके बीच में हमें बीच के कॉर्ड में स्क्वायर नॉट लगाना है। टू स्क्वायर नॉट के बीच हमें एक स्क्वायर नॉट लगाना है। इसी तरह इसके बीच में लगाएंगे हम एक स्क्वायर नॉट। और यहाँ पे साइड में हम लास्ट के फोर कॉर्ड्स लेकर इसमें हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद हमने पहले थ्री स्क्वायर नॉट लगाई, फिर टू लगाई, उसके बीच में हम एक और बीच के कॉर्ड में बीच के फोर कॉर्ड लेकर इसमें एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसी तरह हम यहां भी थ्री टू और फिर बाद में वन स्क्वायर नॉट, यहां भी हम एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह दिखने लगेगा। इसके बाद हम साइड से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। ये जो हमने बीट डाला था उसके साइड के दोनों कॉर्ड लेकर
हम इसमें पाइपिंग करेंगे, इधर के 8 कॉर्ड्स और इधर के 8 कॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम पाइपिंग करेंगे इसमें, इस वाले कॉर्ड में। तो देखिए 8 कॉर्ड से हमने इस साइड पाइपिंग कर दी है, इसी तरह हम इस कॉर्ड से 8 कॉर्ड्स में हमें यहां पे भी पाइपिंग करनी है। इस तरह हम यहां भी पाइपिंग करेंगे 8 कॉर्ड से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड मैंने पाइपिंग कर ली है, इधर भी हमारे पास 8 कॉर्ड्स हैं और इधर भी हमारे पास 8 कॉर्ड्स आए हैं। इसके बाद हम जिसमें हमने बीट डाला था, इसमें हम साइड के 2 कॉर्ड्स लेकर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये हमने स्क्वायर नॉट लगा दी। इसके बाद साइड का हम ये एक कॉर्ड लेकर इसमें हम बाकी कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। ये हमने सारे कॉर्ड से इसमें पाइपिंग कर दिया है। इसी तरह हम यहां से ये वाला कॉर्ड लेंगे और इसमें हम सारे कॉर्ड से पाइपिंग कर देंगे। इसी तरह हमें सारे में पाइपिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड पाइपिंग भी कर ली है। अब हम ये हमने बीच में एक स्क्वायर नॉट लगाई थी, इसके 2 कॉर्ड्स लेकर और ये 2 कॉर्ड्स लेकर हम फिर से एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसी तरह हम ये 4 कॉर्ड्स में स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद हम इस साइड भी ये 2 कॉर्ड लेकर और ये 2 कॉर्ड लेकर स्क्वायर नॉट लगाएंगे।
इसके बाद ये जो फोर कॉर्ड है इसमें भी हम स्क्वायर नॉट लगा देंगे। इसके बाद हम बीच में एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे यहाँ पे फिर से। ये देखिए इसके नीचे जो हमने पहले स्क्वायर नॉट लगाई थी ठीक इसके नीचे एक और स्क्वायर नॉट लगेगी। इसके बाद ये दो स्क्वायर नॉट है इसके बीच में एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे हम। इस साइड भी हम इसी तरह लगाएंगे। ये दो स्क्वायर नॉट के बीच हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद ये दो स्क्वायर नॉट हैं, इनके बीच हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब ये दो स्क्वायर नॉट हैं, इसके बीच हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। यहाँ एक स्क्वायर नॉट हम यहाँ लगाएंगे। ये दो कॉर्ड फोर कॉर्ड लेकर हम यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद ये दो स्क्वायर नॉट के बीच हम यहाँ लगाएंगे एक स्क्वायर नॉट। अब यहाँ बीच में हम लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फिर से हम ये दो स्क्वायर नॉट के बीच स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद ये दो स्क्वायर नॉट के बीच हम नॉट लगाएंगे। इधर भी हम ऐसे करेंगे। ये दो स्क्वायर नॉट के बीच हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे।
और लास्ट फाइनल हम यहाँ पे दो स्क्वायर नॉट के बीच फिर से एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हमारा ये शेप बन जाएगा। उसके बाद हम ये वाली जो अंदर वाला हमारा जो हमने पाइपिंग करा था इससे हम इन सारे कॉर्ड्स पे पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए पूरे 8 कॉर्ड्स पे हम पाइपिंग करेंगे। इस तरह ये देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग कर लेना है। इसी तरह हम इससे भी हम इस साइड पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इधर दोनों साइड पाइपिंग कर ली है। इसी तरह हम यहाँ भी दोनों साइड पाइपिंग करेंगे 8 कॉर्ड से। ये देखिए इस तरह कर लिया हमने। ऐसे ही हम इससे भी यहाँ पे पाइपिंग कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गई एक डिजाइन। इसी तरह हमें यहां भी बनाना है 8 कॉर्ड्स लेकर। ये 2 कॉर्ड से पाइपिंग करने के बाद हमें यहाँ पे एक स्क्वेयर नॉट लगाएंगे, जिस तरह मैंने यहाँ करा है वैसे हमें यहाँ भी और एक यहाँ। इस तरह हमारी 3 डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 डिजाइन कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम ये 2 डिजाइन के बीच यहाँ पर एक इसी तरह की डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो बीच के 2 कॉर्ड हैं, इसमें हम एक बीट डालेंगे। ये हमने इसमें बीट डाल दिया है। इसके बाद इसके साइड का जो कॉर्ड है, ये वाले कॉर्ड पे हम इन सारे कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे कॉर्ड्स इस पे पाइपिंग कर ली है। इसी तरह हमें इस साइड भी ये जो कॉर्ड है, इससे हमें सारे कॉर्ड से इस कॉर्ड पर हमें पाइपिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड पाइपिंग कर ली है। अब हमें जिसमें हमने बीट डाला था उसमें से 1 कॉर्ड लेकर हमें इधर भी पाइपिंग करना है और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह यहाँ पे भी पाइपिंग करना है। इसी तरह हम सारे कॉर्ड में पाइपिंग कर लेंगे, इधर भी और इस साइड भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड पाइपिंग कर ली है। अब हमें यहाँ भी उसी तरह बनाना है जिस तरह हमने यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगाकर डिजाइन बनाई थी, उसी तरह हम यहाँ भी डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिजाइन बना ली है। अब हम जिस तरह हमने यहाँ पाइपिंग करी थी, उसी तरह हम यहाँ भी ऐसे पाइपिंग कर लेंगे, पहले इस कॉर्ड से और फिर इससे। दोनों साइड हम यहाँ भी इसी तरह पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। जिस तरह हमने यहाँ करी थी, इसी तरह हमें ये डिजाइन यहाँ भी कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भी मैंने इस डिजाइन को कंप्लीट कर दिया है। डिजाइन कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, जिस तरह हमने यहाँ पे बीट डाल के पाइपिंग करी थी, उसी तरह हम यहाँ भी वही करेंगे। हम बीच के 2 कॉर्ड्स में बीट डालेंगे, उसके बाद उसके साइड वाले कॉर्ड से हम यहाँ पाइपिंग करेंगे। दोनों साइड पाइपिंग करने के बाद हम जिसमें हमने बीट डाला है, उन दोनों कॉर्ड से दोनों साइड हम इसमें भी सारे कॉर्ड से पाइपिंग कर देंगे। पाइपिंग करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ भी स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा ली है और इस साइड भी मैंने स्क्वायर नॉट लगाई है। हम इस साइड 6 कॉर्ड छोड़कर यहाँ से भी हम कॉर्ड लेकर 4 और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी 6 कॉर्ड
ऐसे छोड़ देंगे और इस साइड हम फोर क्वार्ट से स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसके बाद ये दो कॉर्ड लेकर हम फिर से स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस तरह स्क्वायर नॉट लगाने के बाद हमें इसे कंटिन्यू करते जाना है। ये देखिए, ये इस तरह आ जाएगा। इधर हमने सिक्स कॉर्ड छोड़ा है और इधर भी हमने सिक्स कॉर्ड छोड़ दिया है। अब हम स्क्वायर नॉट से इसको यहां तक लंबा बनाते चले जाएंगे। ये हम लेटर पैड के लिए हम इसे कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर नॉट से यहां तक नीचे तक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है स्क्वायर नॉट से। ये इस तरह दिखाई देगा। इसको मैंने 15 लूप्स तक बनाया है स्क्वायर नॉट को। उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पे साइड के टू कॉर्ड्स में टू ब्लू बीट्स डाले हैं। उसके बाद वही डिजाइन मैंने कंटिन्यू करी जो हमने शुरुआत में यहाँ बनाई थी। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 डिजाइन यहाँ बनाई है और हर डिजाइन में मैंने 5 नॉट्स लगाई है। इसके बाद मैंने फिर से 1 2 3 4 5 लूप्स तक फिर से स्क्वायर नॉट लगाया है। उसके बाद मैंने फिर से यही कंटिन्यू करा है जो मैंने ऊपर बनाया था, उसी को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एक स्क्वायर नॉट लगाई है। इस तरह मैंने ये पूरा लेटर पैड का बेसिक बना लिया है। इसे अब हम इस तरीके से हम यहां से इस तरह हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये इस तरह दिखेगा। इसके बाद हम कोई भी एक कॉर्ड लेकर हम इसको पीछे वाले लूप्स में से इस तरह डालेंगे। इस तरह डालने के बाद हम यहाँ इस तरह हो जाएगा ये। उसके बाद हम इसमें सारे कॉर्ड से पाइपिंग कर देंगे। इस तरह हम सारे कॉर्ड्स इसको पाइपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमें पाइपिंग करते जाना है एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने पाइपिंग से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हम एक और कॉर्ड लेकर उसे भी इस तरह लूप में से डालकर और इससे भी हम पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकंड पाइपिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम दोनों कॉर्ड्स लेकर पीछे की साइड ये जो लूप्स दिए हैं इसमें से टू लूप्स, 1 2 छोड़कर थर्ड वाले लूप्स में हम इसे डाल देंगे इस तरह। और उसके बाद हम इसमें एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे। अंदर से हम टू कॉर्ड्स लेंगे और उसके बाद इसमें हम स्क्वायर नॉट लगा देंगे एक। इस तरह। इसके बाद सारे कॉर्ड्स को हम काट लेंगे इनको और अंदर की साइड अटैच कर देंगे लाइटर की मदद से।
इस तरह काट के सारे हम कॉर्ड्स काट लेंगे और अंदर की साइड लाइटर की हेल्प से अंदर की साइड हम इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइटर से सारे कॉर्ड्स को अंदर चिपका दिया है इस तरह। इसके बाद हम साइड के लिए ये मैंने 1 मीटर की 2 कॉर्ड्स लिए हैं, इसे हम यहाँ पे साइड में अटैच करके इसे क्लोज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये दोनों लूप्स में एक कॉर्ड डालेंगे। इसी तरह हम सेकंड वाला कॉर्ड भी डाल लेंगे। सेकंड कॉर्ड भी हमने डाल लिया है। इसके बाद हम इसमें स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरह हम फिर सेकंड वाले लूप्स में ये कॉर्ड डालेंगे और इस साइड भी हम दोनों बीट्स के बीच में यहां पर इस तरह इसे डालेंगे कॉर्ड्स को। इस साइड हम अंदर की साइड से डालेंगे, ये देखिए इस तरह। और अब हम यहाँ पे फिर से स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड ये हमारा क्लोज होता जाएगा। इसी तरह हमें हर एक लूप्स में से कॉर्ड निकाल कर और उसके बाद हमें इसमें डालना है और इस तरह स्क्वायर नॉट लगा के यहाँ तक हमें इसे क्लोज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेटर पैड बना के इसको कंप्लीट कर दिया है, साइड से इधर भी और इस साइड भी मैंने इसे इस तरह कंप्लीट कर दिया है। ये इस तरह दिखेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इस साइड मैंने इस तरह डिजाइन बनाई है। इधर भी मैंने सारे कॉर्ड्स कट करके यहाँ पे मैंने ये सारे कॉर्ड यूज कर लिए हैं। इसको हम अब इस तरह चिपकाएंगे। ये देखिए इसको इस तरह हमें चिपकाते जाना है तो ये हमारी डिजाइन बन जाएगी। ये देखिए इस तरह। तो देखिए फ्रेंड, इस साइड भी हमने ये डिजाइन कंप्लीट कर ली है, ये इस तरह दिखेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने एक साइड ये सारे कॉर्ड काट लिए, इसमें हम बेल लगाएंगे। इसमें टोटल 10 कॉर्ड्स थे जिसमें से मैं 5 कॉर्ड रख रही हूँ और 5 कॉर्ड मैंने पीछे की साइड स्टिक कर दी है लाइटर से। इसी तरह यहाँ भी मैंने 10 कॉर्ड में से 5 कॉर्ड काट लिए हैं, इसको मैं पीछे की साइड चिपका दूंगी। इस तरह हम इसको पीछे की साइड स्टिक कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमने इसको स्टिक कर दिया है। अब हम इसको हमने इस तरह काटा है, इसी तरह हम इस साइड भी काट लेंगे। ये काटा, इसके बाद हम एक थोड़ा इसे बड़ा ले लेंगे।
इससे बड़ा एक फिर ये ले लेंगे। इसके बाद हम इसे काटेंगे और इसी तरह हम ये लास्ट वाला काट लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें दोनों साइड हमने काट लिया है, इसमें अब हम बेल हैंग करेंगे। ये देखिए, ये डाला हमने और इस तरह हम सारी बेल को स्टिक करके हैंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हमें सारी बेल्स को इस तरह दोनों साइड लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी बेल्स हैंग कर दी है और इस तरह हमारा की होल्डर कम लेटर पेड तैयार हो गया है। देखिए इस तरह दिखेगा। और ये साइड की कॉर्ड, इसमें से जो कॉर्ड बचे थे वही कॉर्ड मैंने यहाँ पे यूज करे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज फ्रेंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नमस्कार।